अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास एक कंप्यूटर की सप्लाई आई है। तो इसका मसला ये है कि इस पे कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है और कभी कंप्यूटर ऑन नहीं होता और कभी ऑन हो जाता है। तो इसमें इस सप्लाई का प्रॉब्लम है। ये इसका मॉडल नंबर आप देख लें, ठीक है? ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर जी देख लें आप, ये इस सेट की सप्लाई है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद आपको चेक कराते हैं इसमें क्या मसला है। सबसे पहले आपने जो है ना इसका सारा ये सर्किट वगैरह बाहर निकाल लेना है। सर्किट आप इसका बाहर निकाल लेंगे, ये देखें, ये इसका सर्किट है, ये पावर सप्लाई है। तो अभी हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, इसकी कौन सी वोल्टेज कम है जिसकी वजह से कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है और ऑन भी, कभी कभी ऑन भी नहीं हो रहा। तो इसको पावर देकर देखते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये एक वायर ले लेनी है, ये इसकी AC220 की तारें हैं। यहाँ पे हमने ये तारें लगा दी हैं, आपने ऐसे यहाँ तारें लगा देनी है। तो इसको सीरीज 220 वोल्ट, उसके बाद आपने छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेना है। ये वायर का टुकड़ा है छोटा सा, तो आपने ये जो टुकड़ा है ना वायर का, ये इधर का जो मदरबोर्ड का जैक है, इसमें एक ग्रीन तार होती है, ये इसकी ग्रीन तार है और ये ब्लैक तार है। आपने इन दोनों को शॉर्ट कर देना है, आप इनको चिमटी के साथ भी शॉर्ट कर सकते। ये हमारे पास एक चिमटी है, जब हम इनको शॉर्ट करेंगे तो ये सप्लाई ऑन हो गई है, ठीक है? ये सप्लाई ऑन हो गई है। अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, ये हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। इसको आपने 20 वोल्ट की रेंज पे रख लेना है मीटर को। ये ग्राउंड है, बल्कि आपने इधर से वोल्ट चेक करने हैं। ये ग्राउंड है और ये इसके वोल्ट है, ठीक है जनाब? ये इसके यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे, इस पे भी नहीं आ रहे, ठीक है? हम इसके यहाँ वोल्ट चेक करेंगे। सप्लाई के बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रही। दोबारा से ट्राई करेंगे, इसके कहीं पर भी वोल्टेज नहीं। यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ 5 भी 5 वोल्ट आने चाहिए यहाँ। अभी हम इसको चेक करते हैं, इसमें कौन सा पंप लगा। इसके बाद आपने ये निकालना है, तीसरे नंबर पे आपने ये इसका हार्ट एरिया है, इस हार्ट एरिया पे उन्होंने प्लास्टिक लगाई हुई है। अभी हम इसका साइड पे आप देख लें, ये सभी कैपेसिटर, इन कैपेसिटरों को हम सबसे पहले डिस्चार्ज, ठीक है जी? इसको डिस्चार्ज करेंगे, इसको करेंगे। अभी हम चेक करेंगे इसमें कौन सा कंपोनेंट। आपने 200 के पे रख लेना है, तो आपने सबसे पहले ये कैपेसिटर चेक करना, ठीक है जी? दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट है, देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। तो जस्ट हमने ये कैपेसिटर चेंज करना है, तो ये कैपेसिटर चेंज करके फिर देखते हैं ये सप्लाई चलती है कि नहीं।
दोस्तों इसमें यह कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है ये वाला जहाँ पे मैं चिमटी टच कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर है, ये यहाँ से लीक है इधर से, ये देखें इसमें मैं चिमटी डाल रहा हूँ, ये यहाँ से लीक था। अच्छा इसकी वैल्यू है 2200 UF 16 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 2200 UF 16 वोल्ट। अभी हम इसको चेंज करते हैं फिर आप। ये कैपेसिटर दोस्तों, ये हम कैपेसिटर निकाल रहे हैं, ये कैपेसिटर है जनाब 16 वोल्ट और 2200 UF, 16 वोल्ट 2200 UF, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में 16 वोल्ट 2200 UF, ये कैपेसिटर, ये हम नया लगा दिया। इसकी जगह हमारे पास एक नया कैपेसिटर है, ये है, ये देख सकते हैं आप 16 वोल्ट 2200 UF है, तो हम ये लगा के दोस्तों आपने कैपेसिटर इसमें जब लगाना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना उसका आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लग गया तो ये सारी सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। अभी हम इसके टांके लगाएंगे, ये मैं इसके टांके लगा रहा हूँ जनाब, तो ये इसके टांके लग गए जनाब, इसकी जो एक्स्ट्रा टांगे हैं ये हम काट देंगे, ये हमने टांगे भी इसकी काट दी, चेक करते हैं तो इसको लाइन दे के देखते हैं ये सप्लाई ठीक हुई या नहीं। ये कैपेसिटर मैंने नया लगाया, इसमें ये 220 लाइन दे दी, अब इसका ये ऑन ऑफ होता है मदरबोर्ड में, जो ग्रीन तार होती है और ब्लैक तार होती है इनको आपस में शॉर्ट करना होता है, ये हमने शार्ट किया, आप देख सकते हैं ये सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है, इसका फ़ैन चल चुका है। अभी हम इधर से चिमटी निकालेंगे तो ये फ़ैन रुक गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो ये हमने इसमें जस्ट ये कैपेसिटर लगाया, ये देख लें ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का बड़ा प्रॉब्लम था जिस वजह से ये कभी सप्लाई ऑन होती थी कभी नहीं ऑन होती और कंप्यूटर भी नहीं चलता था, रिस्टार्ट हो जाता था। तो अभी हमने इसमें कैपेसिटर लगा के ये आपको चेक करा रहे हैं, ये ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को जब शॉर्ट करते हैं ये ऑन ऑफ की वायर होती है, ये मैंने इसमें चिमटी डाली, उधर देखें फ़ैन चल गया, ये कंप्यूटर सप्लाई चल गई, ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आइंदा आपको ऐसी ऐसी वीडियो हम बना के दें। दोस्तों ये वही सप्लाई है जो हमने अभी रिपेयर की है, तो हम आप इसकी फाइनल लुक दिखा रहे हैं फिट करके, तो ये आप देख सकते हैं ना, इसकी ये एक ग्रीन वायर है और ये साथ में ब्लैक वायर है। इस वायर का काम होता है जब आप अपने CPU को ऑन करते हैं तो ये वो CPU इन दोनों तारों को मिला देता है, जब वो मिलाता है तो ये सप्लाई ऑन हो जाती है और आपका CPU ऑन हो जाता है। तो मैं इन दोनों तारों को मिला रहा हूँ, आप देखना ये जो लाइट है ये ग्रीन लाइट ये रोशन हो जाएगी, तो ये लाइट रोशन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सप्लाई ओके है और अंदर से फ़ैन भी चल जाएगा। दोस्तों ये देखें, ये मैंने मिला दी हैं तारें, ये लाइट भी ऑन हो गई है और अंदर से फ़ैन भी चल गया।